जय हिंद दोस्तों। तो दुर्गा पोर्टल में आपका बहुत स्वागत है। और कई दोस्तों का सवाल था कि सर, आने वाले दुर्गा के नए वैकेंसी के लिए हमें किन दिशाओं में आगे बढ़ना चाहिए, आज से किस विषय पे हमें काम करना चाहिए। तो आज का ये पूरा वीडियो उसी पे आधारित है कि नए वैकेंसी के लिए हमें आज से ही किन दिशाओं में, किन बिंदुओं पर और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, समझना है कि वैकेंसी अनाउंसमेंट्स लेके फॉर्म फिलअप और एग्ज़ाम कंडक्ट होते होते हमारे पास 4-5-6 महीना है। 4-5 महीना अच्छा खासा समय होता है। अगर हम बेहतर रणनीति के साथ उस वैकेंसी के लिए बढ़े और उस पर काम करें तो यकीनन हमारा एक सीट पक्का होगा। देखिए, आप में से कई ऐसे दोस्त होंगे जो इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे दरोगा के, और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप में से कई लोग जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको पता है कि आपका कमजोरी क्या रहा है और आपका कमी क्या है। तो सबसे पहले आप अपने कमजोरियों और जो कमियां हैं उनको पहचान के उन पे काम करिए। ये महीना पूरा 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको अपने कमियों पे ध्यान देना है। आपको एनालाइज, आप तो एनालाइज कर लिए होंगे, यकीन है मुझे कि आपको पता होगा कि किन कौन सा विषय की कमी से, किस बिंदु से कमी से और कहाँ हमारा कमी रह गया है। आप पहले चेकआउट कर लीजिए 1-2 दिन के अंदर में, एनालाइज कर लीजिए कि हाँ, हमको इस विषय में ज़्यादा दिक्कत हुआ था। और आप इस पूरे मंथ 1-2-3-4 विषय होंगे, 1-2 विषय, 2 विषय तो यकीन उम्मीद है कि 2 विषय होंगे। आप उन 2 विषयों को चेकआउट करिए और कमियों को उस पर काम करिए। दूसरा है, जो आप में से पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके लिए पहले भी बताया गया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेके उसमें से सवाल को छाटिए, उससे आप अपने आप को एनालाइज करिए कि हमारा कमी कहाँ है, और उस कमियों पे आप भी ध्यान दीजिए और उस पे काम करिए। 1 महीना पूरा अगर आप, क्योंकि 5-6 महीना है, 5-6 महीना अच्छा खासा समय है। अभी से हम लुसेंट क्रॉन और स्पीडी की तरफ चले जाएंगे तो फिर वही बात है कि आप फिर कंसेप्ट चूंकि फिर घुमाएगा, तो आपको पहले अपने कमियों के लिए जो भी विषय कमी है उस पर काम करिए। काम करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उस विषय के लिए ऑब्जेक्टिव चीज़, उसको समझ बनाइए। और दूसरा है, दूसरा इस पूरे वीडियो का दूसरा शीर्षक है कि दरोगा के एग्ज़ाम में कौन कौन सा विषय परेशान करता है। देखिए, अधिकांश दोस्तों को, अधिकांश अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली 2-3-4 विषय हैं। उसमें सबसे पहला है साइंस। पहला जो है कि अपने कमियों को चेकआउट करिए, और दूसरा बिंदु है कि कौन सा विषय ज़्यादा परेशान करता है। ये दोनों आपस में समानांतर हैं। देखिएगा, साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा लड़कों को परेशान करते हैं। कमी भी आपका, यकीनन आपका कमी, आपका कमजोरी भी यही होगा, और जो परेशान करता है यही है। तो आपको आज से क्या करना चाहिए साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के लिए? साइंस के लिए आपको, हम अभी भी समय है एक अच्छा, देखिए साइंस के लिए आप एक डिटेल थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव साइंस में हमारा थॉट नहीं बन पाता है, जो रटते हैं वही दिमाग में रहता है, भूल भी जाते हैं, कुछ इधर उधर होता है तो हमें समझ में नहीं आता। तो उसके लिए एक डिटेल, हम कहेंगे बुक लिस्ट, बुक से बढ़िया है कि किसी टीचर को दिया सहायता लिया जाए, उससे पढ़िए। जैसे खान सर का वीडियो हम समझते हैं कि साइंस के लिए इनफ है ना, तो इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो साइंस उसी समानांतर में 2-4 घंटा साइंस देखिए, 2-3 घंटा आप इकोनॉमिक्स देख लीजिए। इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर होंगे यूट्यूब पे, पेड वीडियो या फ्री वीडियो में, तो आप उनका सहयोग लीजिए। साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर के लिए हम अभी समय है, अभी आप स्पीडी यूटेरिया पे मत जाइए। आप अभी एक डिटेल बुक कोई देख लीजिए, सबसे अच्छा बुक है प्रतियोगिता दर्पण, उसका वन वो हेडिंग पढ़ के आप उसको एक नोट्स बना लीजिए। तो अभी 2-3 महीने आप अपने कमजोरियों पे काम करिए दोस्तों, अच्छा आप वीक जोन पे काम करिए। और दूसरा ये कि जो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का नाम बताया गया जो सबसे परेशान करेगा, आप उस सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो अच्छे टीचर्स के साथ देखिए। अगले वीडियो में हम लोग भी सहायता करेंगे कि आपको अच्छे यूट्यूब चैनल बताया जाए, अच्छा टीचर बताया जाए, हम लोग भी मेहनत करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग भी सजेस्ट करेंगे कि आप उन टीचर के सहयोग से ज़्यादा अच्छा से समझाएंगे, वो समझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल से। इस बार हम लोग पूरी तरह से अच्छे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, और वैकेंसी के अंतिम दिन तक
जब तक ना आपका मेडिकल होने के बाद आप जिला अलॉट हो जाए, तब तक इस वीडियो इस चैनल से आप बने रहिए। हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, जितना हो सके हम लोग भी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से जो अच्छा स्ट्रैटजी हो हम लोग आपस में बात करके आपके लिए वीडियो लाते हैं। ऐसे बैठ के हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, आपस में हम लोग भी बात करते हैं कि क्या बताया जाए ताकि सबसे आसान रास्ता हो। और तब आप बने रहिए, हमारे पास चार लोग ही हैं तो चार लोग ही बने रहिए, लेकिन बने रहिए। जय हिंद।